विषय हिंदी इक्की दूसरा इतक कई का हमने आगे अध्ययन किया था और मैंने आपको समझाया भी था उसके बाद हमने हिंदी के स्वाद्य पोथी में प्रश्न एक से लेकर पांच तक का अध्ययन किया था आज हम लोग प्रश्न छ से लेकर दस तक का अध्ययन करेंगे देखिए यहाँ पर सूचना दी गई है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला है बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी उसका उत्तर है बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। हामिद ही वर्ष में उसका बेटा और थे। अब सिर्फ पोता बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े थे ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था धन के नाम पर उसके बटुए में पांच पैसे थे और हामिद के पास तीन पैसे थे इस बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। फिर है दूसरा, हामिद मेले में जाने लग, लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी उसका उत्तर है गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए तीन कोस का सफर था और हामिद के पाव में जूते भी नहीं थे अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाव में छाले पड़ जाएंगे उसकी जेब में केवल तीन पैसे हैं। इन्हीं के कारण हामिद मेले में जाने लग जाने लगा तो अमीना चिंतित हो उठी थी फिर है तीसरा ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए उसका उत्तर है गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी अदालत कॉलेज, कलागर आदि उसी रास्ते पर था हलवाइयों की दुकान खूब सजी हुई थी एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयों लगी थी फिर है चौथा, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है उसका उत्तर है हामिद ने बड़े गर्व के साथ कहा अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबका बड़ा खिलान खिलौना है इसे कंधे पर रखे तो यहाँ बंदूक हो जाएगा हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा चिमटे से मंजीरे का भी काम लिया जा सकता है यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी खिलौनों की जान निकल जाए उसका चिमटा तो बहादुर शेर है वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटकर रहेगा इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोच्च परिता को भी उसको सिद्ध किया फिर है पांचवा हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमिना पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसका उत्तर है हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौक उठी उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो यहाँ चिमटा उठा ले आया उसे बड़ा दुख हुआ उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है दोपहर होने आई और इसे इसने न कुछ खाया न पिया इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना बहुत दुखी हुई फिर है छठा प्रश्न बूढ़ी अमीना का बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया उसका उत्तर है हामिद के चिमटा लाने पर अमीना को बहुत दुख हुआ उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ यह सुनकर बुटी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया हामिद के त्याग सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई फिर है सातवां प्रश्न आप चिमटे के प्रयोग की तरह रूमाल के विविध प्रयोग बताएं। उसका उत्तर है रूमाल का उपयोग हाथ मुंह और पसीना पोछने में किया जाता है उसके अन्य उपयोग भी है जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भिगा भिगाने से बचा सकता है थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम भी आ सकता है रूमाल से रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जा सकते हैं फिर आता है आठवां प्रश्न इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है इसके अलावा आप कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे इसका उत्तर है ईद इसका उत्तर है ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का समय सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है हामिद उन्हीं में से एक है ईदगाह में नमाजियों का भातृत्व देखने को मिलता है और भ्रतृत्व भी बनता है नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन भी होते हैं कहानी का मुख्य पात्र है हामिद और उसके चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट हुई है इस तरह कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक भी ईदगाह ही रखा गया है ईदगाह के अलावा कहानी के अन्य शीर्षक भी हम देना चाहें तो पहला है हामिद ईदगाह के मेले में दूसरा है हामिद और उसका चिमटा आदि कहानी का उद्देश्य और आदर्शों को इन शीर्षकों से बड़ा जुड़ा हुआ लगता है इसके अलावा आपको भी कोई अच्छा शीर्षक मन में आए तो आप वह कर सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं फिर है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए पहला है दिल कचोटना तो उसका अर्थ है दिल में दुख होना उसका वाक्य है बेटे की बुरी हालत देखकर कर माँ का दिल कचोट रहा था फिर है दूसरा बेड़ा पार लगाना उसका अर्थ है संकट से बचाना उसका वाक्य है भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाते हैं फिर है तीसरा आँख उठाकर न देखना उसका अर्थ है अपेक्षा करना या बिल्कुल न देखना उसका वाक्य है जी ने पुराने नौकर की ओर उठाकर भी नहीं देखा। फिर है चौथा बाल बाका न होना उसका अर्थ है जरा सा भी नुकसान न होना उसका वाक्य है डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का भी बाल बांका न हुआ फिर है पांचवा रंग जमाना तो क्या आएगा उसका अर्थ प्रभावित करना आएगा। उसका वाक्य है। देखते ही देखते ही सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया फिर है छठा माटी का चोला माटी में मिलना उसका अर्थ है मर जाना या नष्ट हो जाना उसका वाक्य है एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में ही मिल जाता है फिर आगे है सातवा छाती पीट लेना उसका अर्थ है दुख प्रकट करना उसका वाक्य है बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली फिर है आठवा दिल चीरना तो उसका उत्तर है बेटे की बुरी करतूते करतूतों ने माँ का दिल चीर डाला अब उसके बाद नीचे दी गई है नई सूचना निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए पहला है ठंडा तो क्या आएगा शीतल फिर दूसरा है खुश तो क्या आएगा प्रसन्न तीसरा है दिन तो क्या आएगा गरीब ये दिन यानी कि जो दिन और रात होता है वह दिन नहीं है यहाँ पर दिन दीर्घयी है इसलिए क्या आएगा बड़ा दी गया दिया गया है तो क्या आएगा दिन यानी यह दिन यानी करीब ठीक है फिर है प्राचीन तो क्या आएगा प्राचीन तो क्या आएगा बोलो चलो प्राचीन तो आएगा पुरानी फिर है प्रेम तो क्या आएगा स्नेह और फिर है अंधेरा तो क्या आएगा अंधकार फिर है नौवी सूचना दी गई निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए नई तो पुरानी द्रुणा तो क्या आएगा स्नेह फिर है प्रकाश तो क्या आएगा अंधकार या अंधेरा फिर है उष्ण तो क्या आएगा चलो बोलो उष्ण तो क्या आएगा शीतल फिर है खिन्न तो क्या है का? प्रसन। फिर है अमीर, तो क्या है का? गरीब, आश्रित तो क्या अनाश्रित उसके बाद है अवनति तो क्या है उन्नति तो फिर उसके बाद है पीतर तो क्या है का? बाहर ठीक है अब क्या है देखिए तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों यह जो प्रश्न है वह आप सबको अपनी तरह से यह प्रश्न अच्छी तरह से लिखना है चलो बच्चों आज हमने हिंदी की स्वाद्य पोथी में प्रश्न छः से लेकर दस तक का अध्ययन किया अब आपको भी आपकी हिंदी की स्वाद्य पोथी में यह जो प्रश्न छः से लेकर दस तक है वह अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है मैं होमवर्क फिर से दोहराती हूँ हिंदी की स्वाद्य पोथी में ईदगाह चैप्टर का प्रश्न छह से लेकर दस तक का लिखना है ठीक है और अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है ठीक है नमस्ते बच्चों